अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद है जी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बहन भी बिल्कुल ठीक है। और ले आई है आप लोगों के लिए एक न्यू व्लॉग। तो जी, जो मैंने रात से व्लॉग एंड किया था वहीं से मैंने नेक्स्ट व्लॉग नेक्स्ट मॉर्निंग से शुरू किया है। सुबह का टाइम हो रहा है, 7 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी में चाह रही हूँ क्योंकि बहुत कम टाइम है, पीछे हमने जल्दी निकलना है। तो मैं मिल्क शेक बना रही थी, 2 मैंगो लिए, आधा कप चीनी ली, चीनी खत्म हो गई थी तो पाउडर शुगर मेरे पास पड़ी थी पीसी हुई चीनी वो डाली, 1 kg मिल्क था जिसमें से 1/2 kg मैंने इसमें ऐड किया है और उसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। उसके बाद इसको एक बड़े बाउल में आपने जो है ना निकाल लेना है और इसमें बाकी का 1/2 kg मिल्क ऐड करना है। टोटल 1 kg मिल्क था, 1 किलो दूध था। जो है ना बर्फ के टुकड़े डाल देंगे फुल या ठंडा करके जो है ना मजे से पियेंगे क्योंकि गर्मी शदीदुन है तो उसमें गुजारू नहीं होना हमारा ठंडी ठंडी चीजों के बगैर। तो बस जी, मैं यहाँ पे मिल्क शेक बनाई थी, कुछ हैवी खाने का दिल नहीं था, सुबह का टाइम था, इतनी जल्दी सुबह सुबह हम कुछ नहीं खाते और वैसे भी गर्मी बहुत है तो बस ऐसी चीजें ही अच्छी लगती है। तो मैं यहाँ पे मीठा चेक कर रही थी और बस मीठा बिल्कुल ठीक था। आजकल ना मैंगोज आ तो रहे हैं लेकिन वो चीज नहीं मिल रही, पता नहीं हमें नहीं मिल रही कि मतलब टेस्ट वैसा नहीं आ रहा, खट्टे खट्टे से हैं और अभी मुझे अच्छे नहीं मिले जब से मैं खाना शुरू किया ना मैंगोज, मतलब कि अभी तक मैंगोज का वो टेस्ट नहीं मिल रहा जैसा कि मैंगोज का टेस्ट होता है ना वो वाला। शायद लेट आए या कब मिले, हमें नहीं मिल रहा, क्या बात है, कुछ नहीं पता। तो अच्छा जी, यहाँ पे बस अब हम जाने की तैयारी कर रहे थे, अब दादीमी की तरफ जाएंगे क्योंकि दादीमी के घर ही हम रह रहे हैं, भाई अपने काम पे चला जाएगा और मामा तो वैसे ही आनी है, गुजरा वाला है, और पापा ऑलरेडी आनी है लेकिन इंशाल्लाह पापा कुछ दिनों में आएंगे वापस सऊदी अरब से ना इंशाल्लाह। अच्छा जी, और हम लोग भी अम्मा से मिलने जाएंगे तो वो भी व्लॉग भी आपके साथ शेयर करूंगी और मामा क्यों गई है गुजरा वाला ये भी बता दूंगी। और यहाँ सुबह सुबह के टाइम आज बिल्कुल भी रश नहीं था, हम बिल्कुल 15-20 मिनट में जो है ना घर पहुँच गए थे और 8 बजे का टाइम हो रहा है यहाँ पर सुबह के और सब बस उठ गए हैं बच्चे और चाचू जो है ना काम पर जाने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। इस टाइम चाचू ने इतनी सफाई की अपने रिक्शे की, इतनी सफाई की मैं हैरान। चाचू ने कोई घंटा लगाया होगा अपने रिक्शे पे ना, बहुत साफ सुथरा रखा हुआ है रिक्शा, वरना कुछ लोगों का तो इतना गंदा होता है ना बैठने को दिल नहीं करता, लेकिन चाचू ने काफी साफ रखा हुआ है। और ये जो घर आप देख रहे हैं ना, ये तकरीबन 50 से 55 साल पुराना घर है, ये वो वाला घर है जिसमें मतलब के मेरे पापा है ना उनकी नानी का घर है, तो पापा का और मेरे चाचू वगैरह फूफों का सबका बचपन यहाँ पे गुजरा, मतलब उनकी नानी मी का घर था, फिर आगे से दादी मी के पास आया और अब यहाँ पे चाचू रहते हैं। तो काफी पुराना लेकिन अब तो चेंज हो गया ना, लुक वाइज तो चेंज हो गया, वो चीज नहीं है कि वही ये घर है, अभी तो रेनोवेट दोबारा करवा लिया था इन्होंने, लेकिन वही घर है, मतलब के वही मोहल्ला है ये पुराना, यहाँ पे लोग जानते भी हैं सबको। अच्छा जी, और यहाँ पे चाचू ने रखा हुआ है डोगी जिसका नाम है एंटरटेनमेंट। चाचू को बहुत शौक है ऐसी चीज़ों का ना, तो उन्होंने परिंदे वगैरह भी ये सब रखे, और जब हम छोटे थे तब भी चाचू ने ऐसी चीज़ें रखी होती थी, तोते रखे होते थे, तोते शायद बोलते भी थे, तो अभी भी छोटी छोटी पता नहीं परिंदे रखे हुए हैं, तोतियाँ रखी हुई हैं, इसमें तो कुछ उड़ भी गई हैं। और जो है ना चाचू ने जो डोगी रखा है उस पर कुछ लोगों का इतराज़ भी है कि क्यों रखा है, बहुत सी होती हैं बातें, लेकिन अब मेरे ख्याल से जिसका जो शौक़ है ना उसको वो कर देना चाहिए, हम कोई नहीं होते कि किसी को कहें कि भाई तुमने अपने घर में क्या चीज़ रखी है। तो मैं ये कहूँगी कि उनका शौक़ है, अच्छी बात है, उन्होंने रखा, शौक़ पूरा करना चाहिए, किसी के कहने पर क्यों अपने शौक़ को ख़राब करें भाई। और यहाँ पर चाचू ने पौधे भी काफ़ी रखे, मुझे भी काफ़ी शौक़ है गार्डनिंग वगैरह का, तो मैं इसलिए बस रिकॉर्डिंग वगैरह कर रही थी, मैं भी इंशाल्लाह ज़रूर अपने जो है ना छत पे इस तरह के पौधे वगैरह रखूंगी, मैंने रखे भी हुए थे जब व्लॉग नहीं ना बनाती थी उससे पहले की बात है, उसमें गुलाब के फूल भी लगे थे और भी काफ़ी प्यारे प्यारे फूल लगे थे, पिंक से कलर के छोटे छोटे, मुझे उसका नाम नहीं पता लेकिन मतलब मैंने काफ़ी उसकी केयर की थी, लेकिन उसके बाद फिर हम नानी के घर छुट्टियाँ गुजारने गए हैं तो वो फिर पीछे 2 महीने ऐसे ही घर बंद रहा है, तो केयर नहीं जब किसी चीज़ की होगी, कोई भी चीज़ है वो ख़राब ही हो जाती है, तो इसीलिए फिर वो ना मैंने उसके बाद कोई पौधे नहीं रखे, वो अभी पड़े हैं गुलदान लेकिन वो सुकड़ गए पौधे सारे ना। तो खैर जी, इंशाल्लाह फिर भी शुरू करूँगी ये चीज़, मुझे बड़ा शौक है घर में सब्जियाँ वगैरह लगी हों इस तरह की चीज़ें या फिर फूल वगैरह लगे हों, अच्छे लगते हैं ना, माहौल अच्छा हो जाता है घर का ना, ऊपर से इन्वायरमेंट सारा कुछ, तो वो उस चीज़ करेंगे। और यहाँ हरम बीबी जो है ना ऊँट पे झूले ले रही है, बाहर आया था गली में ना, इसे अपनी डाल ली, मैंने झूला लेना है, पैसे दें, पता नहीं कितने का वो झूला देते हैं। और यहाँ पे चाचू अपने कपड़े कर रहे थे, अच्छी बात है लड़कों को खुद अपना काम करना चाहिए, मुझे अच्छा लगा देख के, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं मैं कर देती हूँ, आज पहली बार चाचू के कपड़े कर रही हूँ, पहले भी करती थी मैं, हाँ 1-2 बार मैंने किए होंगे जब चाचू हमारी तरफ आए थे। हाँ अच्छा जी, उसके बाद जो है ना नाश्ते में मैंने चाय बनाई और बन लिया, साथ में मैंने बना तो ली लेकिन मेरा पी नहीं गई क्योंकि गर्मी बहुत थी, मग तो मैंने डाल लिया तो वो पी नहीं गई, बस मैंने बन ही खाया था।
और बस यहाँ पे अब हम बैग वगैरह पकड़े, मेरा यही बैग नज़र आता है क्योंकि इसमें ना काफ़ी चीज़ें पूरी आ जाती हैं, तो मतलब कि अच्छा ना मेरा सारा हो जाता है कवर, सारी चीज़ें जो भी मुझे ज़रूरत की होती हैं वो मैं इसमें रख लेती हूँ, तो फिर मुझे मुश्किल नहीं होती कि बड़ा बैग आप बार बार खोलें। एक ही छोटे बैग में मेरा सारा सामान होता है, हेयर ब्रश वगैरह एटसेट्रा ऐसी चीज़ें ना। और मुझे यहाँ पे हारिस ने चूरन ला के दिया, खा रहा था, मैंने कहा मुझे नहीं ला के देना, वो इतने ज़्यादा ले आया मीठे चूरन, नमकीन चूरन, मैंने कहा मीठे तो मैं खाती नहीं हूँ, तो फिर ये वाले भी ले आया। और अगर आपको पीछे शोर आ रहा है प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, मैं तंग आ गई हूँ, बच्चे नहीं चुप हो रहे। बच्चों वाले घर में शोर होता है, हमारे घर में यह ना कोई बच्चा नहीं होता, तो सुकून से मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ, कोई मसला नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा इशू हो रहा है। खैर जी, अच्छा यहाँ पे मैं सो गई थी, शाम को उठी हूँ, बहुत नींद आई थी क्योंकि सुबह सुबह उठ गए थे हम, रात को भी इतनी जल्दी नींद नहीं पूरी हुई, वीडियो वगैरह एडिट करने में टाइम गुजर जाता है। तो खैर जी, उसके बाद यहाँ पे बच्चों को इतनी भूख लगी थी, इतनी भूख लगी थी, मैंने कहा अगर मुझे खाना ना बनाना होता फिर के आता तो फिर तुम लोग क्या करते ये तो मैंने जल्दी खाना बनाना जो है ना सीख लिया, मुझे शौक था, वरना मतलब कि अभी हमारी फैमिली में मेरी एज की जितनी भी लड़कियां, इतना खाना कोई भी नहीं बनाता, मुझे शौक था इसलिए सीख लिया। सबको, हर कोई सीख लेता है, इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन कोई जल्दी सीख लेता है, कोई लेट सीख लेता है। मेरा ये कहने का मकसद है कि मतलब इसमें भी कोई ना कोई बेहतरी थी जो मैंने जल्दी खाना बनाना सीख लिया, जैसे कि मेरी मम्मा गई है मामू के घर रहने, पीछे से मैं खाना बना लेती हूँ। अभी यहाँ पे जैसे हम आए हैं तो बच्चों को भूख लगी थी, हम लोग बच्चे बच्चे घर आए थे, इस घर में ना बड़े सारे उधर चाचू की तरफ थे, तो हम बस बच्चे ही थे आज घर में, तो फिर खाना इसलिए मैं बना रही हूँ, वरना पप्पो बनाती होती हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हर काम में बेहतरी, बेशक अल्लाह ने जो हमारे लिए लिख दिया है ना वही होना है, हम लोग जो मर्जी कर ले कि अल्लाह जानता है कि हमारे हक में क्या बेहतर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाना बनाना भी सीख लिया, अभी सीख भी रहे हैं मजीद। और मैं यही सबको कहती हूँ, बहुत से मेरी फ्रेंड्स भी हैं जिन्हें कुकिंग अभी नहीं आती, लेकिन मैं उन्हें यही बात कहती हूँ कि हर चीज़ का एक टाइम है, तुम लोग भी सीख जाओगे। मैंने सीख लिया है, मेरी बहन मेरे से बड़ी है, उसे इतनी कुकिंग नहीं आती, वो भी सीख रही है, तो मैंने इससे जल्दी सीख लिया। मुझे बहुत ज़्यादा शौक था खाना बनाने का ना बचपन से ही, तो हम लोग जब छोटे छोटे बर्तन होते थे ना कच्चे मिट्टी के, उसमें हमने खाने पकाने हैं भी, बस मुझे, मैं और मेरी कज़न फूफो की बेटी, अगर वो व्लॉग देख रहे से याद होगा, तो हम लोग ऊपर छत पे बैठ के मिट्टी के बर्तन में ऐवी बिला वजह नमक डाल देना, चावल डाल देना, पकाते रहना, वो पकता कुछ नहीं था, ख़राब ही चीज़ बनती थी, लेकिन मतलब मेरा यह कहने का मुझे बचपन से शौक था। तो अच्छा जी, बातों ही बातों में रेसिपी आ गई, निकलती जा रही है, मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ। मैंने एक थोड़ा सा आधा कप ऑयल लिया, एक प्याज ब्राउन की, उसमें पानी डाल दिया, प्याज का कलर निकल गया, फिर जीरा डाला, उसमें लौंग डाली, साबुत मसाले डाले, और फिर उसके बाद जो है ना उसमें आलू 1 किलो डाले, टमाटर डाले, और ढक्कन दे के उसको पानी डाल के पकने दिया ताकि आलू गल जाए, मैं कहने लगी थी ढक्कन गल जाए। यहाँ पे बच्चों को मैंने भेजा था दही लेने के, 3 चक्कर बच्चों के लगवाए लेकिन दही नहीं मिला, पता नहीं यहाँ पे करीब की दुकानों से कुछ जल्दी नहीं मिलता। और उसके बाद जी मैंने इसमें 2 चम्मच नमक भी डाल दिया था, और अभी मैंने इसके अंदर डाली है दड़ा मिर्च, जिसे अक्सर लोग दादर मिर्च भी कहते हैं, तो मोटी मिर्च भी कहते हैं। तो और इसके बाद जी बस आपने इसको थोड़ी देर पकाना है, और काली मिर्च भी मैंने इसमें डाली है पिसी हुई। जब अच्छा सा इसका मसाला तैयार हो जाए, आलू भुन जाएंगे, ऑयल सेपरेट हो जाएगा, फिर इसमें आपने डाल देना है पानी, और साथ इसके अंदर डाल देंगे चावल, मैंने भिगो के रख दिए थे तकरीबन 20 मिनट पहले, 2 गिलास चावल है, चावलों के हिसाब से आपने ऊपर पानी डालना है। ये वाले जो चावल है ना डबल पानी लेते हैं, अगर ये 2 गिलास चावल है तो इसमें 4 गिलास पानी जाता है, तो बस इसको ढक्कन से कवर करके पकने दें, और 10 मिनट बाद जो है ना चावल यहाँ पे पक जाते हैं, पानी तकरीबन ड्राई हो रहा है, और ये देखें चावल कितने अच्छे खिले खिले रेडी हो रहे हैं। इसमें तकरीबन आपको 8-9 मिनट लगते हैं पकाने में, और जब थोड़ा थोड़ा पानी रह जाएगा इस पॉइंट में, नमक ज़रूर चेक कर लीजिएगा, नमक मिर्च पूरी है, मैं दम दे दिया था। 10 मिनट बाद इसका जो है ना हल्की आँच पर दम उठाया है, मतलब हल्की आँच पर दम देना होता है, तो फिर उसके बाद जो खुशबू आई है ना माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से जो है ना हमारे खिले खिले आलू वाले चावल इंस्टेंट तरीके से तैयार हो गए। मैं इसी तरह सिंपल आलू वाले चावल बनाती हूँ। अगर आप इसमें मज़ीद ज़्यादा टेस्ट लाना चाह रहे हैं ना, तो जैसे पुलाव का टेस्ट होता है, तो आप इसमें 2 चम्मच जो है ना आलू भुनते वक्त मसाला डाल लें, पुलाव मसाला, उसका भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। फूफो के घर पड़ा नहीं था इसलिए मैं नहीं डाला, वरना मैं ज़रूर डाल लेती, उससे टेस्ट अच्छा आ जाता है। खाना बनाने के बाद जो है ना लाइट फिर से चली गई थी, और अब मैं यहाँ पर इंतज़ार करी थी कि लाइट आ जाए, लेकिन लाइट नहीं आई, तो फिर हमें भूख लगी हुई थी, मैंने सोचा चलो जो दही के पैसे मेरे पास बच गए हैं उसमें से बच्चों से कुछ चीज़ मंगवा ली जाए, ताकि हम थोड़ा सा वो खा रहे, थोड़ी वो पेट पूजा हो जाए, हमें थोड़ा हौसला मिल जाए तो बस मैंने यहाँ पे पापड़ वगैरह केक वगैरह वो मंगवाए थे। ये हिलाल कप केक इन्होंने इतना छोटा कर दिया, चुना सा एक ही बाइट है ये बस अब हमारी मतलब कि पहले थोड़ा बड़ा होता था, अभी महंगा भी पता नहीं 10 रुपये का हो गया वहाँ।
5 का है। अच्छा, फिर इसलिए इतना छोटा है। अभी अगर ये प्राइस ज़्यादा कर दे, थोड़ा बड़ा भी कर दीजिएगा साइज़, अगर मेरी वीडियो पहुंच जाए तो। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे लाइट आ गई थी 1.5 घंटे बाद, और यहाँ पे जो है ना आलू और चावल जो है ना वो तो बना ही लिए थे, साथ में दही बना लिया था, और कटलेट्स कह रही हूँ, शामी कबाब जो पप्पा ने बना के रखे थे वो फ्राई कर लिए थे, और अब बस जी हम यहाँ पर जो है ना खाना खाने लगे थे। और जी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है आलू चावल की रेसिपी, बहुत ही इजी और सिंपल है। मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को इस रेसिपी को बनाना आता भी होगा, क्योंकि हर घर में मेरे ख्याल से ऐसे ही बनते हैं चावल, लेकिन अगर आप इस तरीके से नहीं बनाते तो इस तरीके से बना के ज़रूर देखिएगा। मैंने मम्मा से ही बनाने सीखी है और बहुत मज़े के बनते हैं, जब बनाओ तो दिल खुश हो जाता है, मोस्ट फेवरेट मेरे। जब कुछ ना मिले आलू या चावल बना लो। उसके बाद आज बच्चों के साथ बड़ी बुरी हुई है बेचारों के साथ, मैंने डाली तो थोड़ी मिर्च थी, पता नहीं तेज़ कैसे हो गई, बच्चे बेचारे छोड़ छोड़ कर रहे थे, इतनी मिर्च हो गई थी बच्चों के, पानी के बगैर तो गुजर ही नहीं रहे थे ना चावल। पता नहीं दादर मिर्च इनकी तेज़ है, मैंने तो वही आप लोगों के सामने डाली है, पर अब टेस्ट मिर्च ज़्यादा हो रही थी। खैर मुझे तो नहीं लगी कि हम लोग आदी हैं इतनी मिर्च खाने के, हम खा लेते, बच्चों से नहीं होता ज़ाहरी बात है, इतना टेस्ट उनका नहीं है इस तरह का, वो फीका ही ज़रा पसंद करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर मेरे बच्चों को भेजा था, मेरे पास ना आज 500 रुपया था। मैंने उसी 500 में सब बच्चों को जो है ना आज पूरा दिन गुजरवाया है, मतलब उसी में से मैंने जो है ना सारी चीज़ें पहले मंगवाई, अब बच्चों को मैं भेज रही थी जाओ बर्गर लेके आओ। हमें ना फिर बातें कर करके भूख लग रही थी, और रात के 9 बज रहे थे, तो मैंने इनसे ना शामी वाले अंडे वाले जो बर्गर नहीं होते वो मंगवाए हैं। यहाँ पर आके सारी वही चीज़ें हम कर रहे हैं जो हम बचपन में करते होते थे, अपने घर में होती हूँ वहाँ पर तो कोई नहीं होता कि मैं किसी से कोई ऐसी चीज़ मंगवा सकूँ, उसमें बस वही होता है जो मैं घर में खाती हूँ, या हम लोग अक्सर बाहर से फास्ट फूड खाते हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ऐसी चीज़ें खाने का भी बहुत मज़ा आता है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। अंडे वाला बर्गर काफ़ी देर बाद मैंने देखा है और खाया है, अच्छा मज़े का था, लेकिन इसमें इतनी शामी नहीं थी, पता नहीं क्यों इन्होंने एक्स्ट्रा नहीं डलवाई, क्या किया था। बच्चों को देख के ना उन्होंने साथ में चटनी भी नहीं दी थी, उसके साथ ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा यहाँ पे ना मेरी बहन के ना बाजू में पता नहीं क्या बच गया था, पता नहीं इस दीवार में वो लगी थी, उसके दर्द बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो ये वाली जो है ना स्प्रे ये वहाब ने इसे दी थी, एक ही बार छिड़की है और उसकी जो है ना दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गई है। बस उसके ऊपर कोई आपने जो है ना गर्म चीज़ लपेटनी है, कोई कपड़ा लपेट लें, तो इसका नाम है डीप हीट, ये वाली जो है ना पेन रिलीफ स्प्रे है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मंगवा के रखें, अच्छी चीज़ है, वो जो आप बाम वगैरह लगाते हैं उससे बेहतर है, ऐसे ब्रेव बस करनी है। और बस यहाँ पे जो है ना जब इंसान वेला हो ना तो ऐसी चीज़ें ही करते हैं, तो वहाँ यहाँ पे बीपी की मशीन ले आया गया था, मैं आपका बीपी चेक करता हूँ, मैंने कहा चलो करो चेक, इसकी मशीन इतनी कोई नकम्मी है ना, मिनट बाद इतरी आ रहा था, चेक ही नहीं होता, फिर मैंने कहा तुम्हें कुट लगाऊँ। सही हो ही नहीं रहा चेक, फिर मैंने लगाया, मैंने कहा अब वहाब साहब अगर गलत आया ना मेरा, अगर बीपी ना चेक हुआ फिर मारोगे, तो यार खैर मारना तो मैंने से नहीं था, लेकिन बीपी जो है ना शुक्र है मेरा नज़र आ गया और वो बिल्कुल नॉर्मल था। मैं भी बच्चे भी बीपी चेक करे, पागल हुए हुए हैं हम लोग। जब इंसान वेला हो कोई भी काम मिल जाए करता है। तो उसके बाद ये ले आया ये वाली शुगर वाली मशीन, मैंने कहा चलो दफ़ा हो भाई, मैं नहीं चेक करानी, मैं पागल हूँ, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं है, तुम लोग करो चेक, अम्मी की मशीन है तो वो उठा के लाए हैं, फुप्पो होती तो इन्हें पकड़ने भी ना देती, और यहाँ पे हमें भी डरा रहे थे और खुद भी डर रहे थे, इतने नकम्मे हैं ये। पता नहीं कौन सी स्टोरी सुना रहे थे, यहाँ पे किसी स्कूल की या कॉलेज की, वहाँ पे कहते कोई चीज़ें हमने आवाज़ें सुनी है, हम घर में अकेले पागलों की तरह डर रहे थे, और ये खुद भी शौकिया आ रहे थे हमें भी डरा रहे थे। और खैर जी यहाँ पे अब बस हम पुप्पो लोगों का इंतजार कर रहे थे कि वो लोग आ जाए, वरना इन्होंने तो हमें डरा डरा के पागल कर देना था। तो पुप्पो लोग यहाँ पे कहते हम दोपहर को जल्दी आ जाएंगे ना, लेकिन वो आए नहीं, तो फिर हम लोग जो है ना इंतजार करते रहे, और पता चला कि वो दादी मी को ना हॉस्पिटल लेके गए हुए हैं उनको चेक करवाने के लिए ना, आज उनकी कोई अपॉइंटमेंट थी तो इस वजह से ना, तो बस जी वो दादी मी को चेक करवाते हैं ना क्योंकि वो बीमार रहती है, तो आप लोग को मैं हमेशा बताती हूँ, तो आप लोग ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला उन्हें भी शिफा दे और जितने भी बीमार लोग हैं इस दुनिया में उन सबको शिफा दे, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पे मैं बस नूडल्स बना रही थी अपने लिए, मेरा दिल कर रहा था चावल खाने का, दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो चावलों की जगह जो है ना नूडल्स बनाते हैं, तो वही चटपटा नूडल्स बड़े अच्छे लगते हैं खाने में और पेट भी भर जाता है, मज़े की बात इतना बड़ा पैकेट था कि इससे पेट भी भर गया था मेरा। और उसके बाद पुप्पू लोग आ गए थे,
तो तकरीबन 11 के बजे फूफो लोग आ गए थे और हारिस वगैरह भी वापस चले गए थे अपने घर। और बस जी यहाँ पे फूफो अम्मी की दवाइयाँ वगैरह सेट करी थी जो लेके आई हैं। तो बस जी मैं यहीं पे करूँगी आज के व्लॉग को एंड। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना कि व्लॉग कैसा लगा। ऐसे नहीं जाना, पहले कमेंट करना है, फिर वीडियो को लाइक करना है और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट किए बगैर तो बिल्कुल नहीं जाना, ठीक है जी। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा हर आने वाला इसी तरह का नया व्लॉग सबसे पहले आप तक पहुँच सके। कोई रेसिपी सीखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, इंस्टा की ID स्क्रीन पर शो हो रही है। रीदा फूड फैक्ट्री 10 के नाम से मेरा यूज़र नेम है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, हमेशा खुश रहें। टाटा बाय बाय।